और सेम प्रोडक्ट मुझे अमेजोन पे 2200 में दिख रहा था, पर मेसो पे ये मुझे मिला था। सकते हैं जार की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुंदर लगी। Hey guys, welcome back to my channel with new another vlog। तो friends, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एक housewife के लिए, क्योंकि एक housewife का मैक्सिमम समय ना किचन में ही जाता है, तो वो लोग चाहती हैं कि किचन उनका बहुत सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। वैसे मेरा किचन तो सुंदर ही है, आप लोग इसका टूर देखे ही होंगे, पर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, पर कुछ कुछ चीजें ऐड कर देने से ना किचन का लुक और भी ज्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैं अपने मॉड्यूलर किचन के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट मंगाई हूँ गाइस, आप देख सकते हैं सारा प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि सारा प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में है, कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो अपने किचन के लिए भी सामान मंगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, आप देख सकते हैं ये मैं अपने किचन के यूनिट में बिछाने के लिए मंगाई हूँ गाइस, क्योंकि ये एंटी स्किड है और ये वाटर प्रूफ भी है। तो जितने भी सेल्फ है ना किचन में, उसमें मैं इसे बिछाऊंगी। ये देखिए व्हाइट कलर में है, वैसे इसमें और भी कलर अवेलेबल है, आप चाहें तो दूसरा कलर भी मंगा सकते हैं, पर मैं अपने किचन के लिए यही कलर चूज की हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस, अभी तो मैं बस 3 रोल मंगाई हूँ गाइस, क्योंकि मैं देखना चाहती थी किसी क्वालिटी कैसी आती है, मुझे काफी पसंद आया है। आगे भी मैं इसको जरूर मंगाने वाली हूँ अपने बेडरूम के वार्डरोब के लिए, क्योंकि वहां भी मैं इसे बिछाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार बीच जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा, 2 रोल आराम से आप क्लीन कर सकते हैं, और किचन में है तो थोड़ा बहुत पानी गिरा तो भी बहुत आराम से आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है किचन के लिए और वार्डरोब के लिए भी। गाइस, दूसरा जो ये प्रोडक्ट है ये भी अमेजोन से है, और मैं इसे उठा नहीं सकती हूँ, काफी हेवी है। तो मैं बस एक आपको निकाल के दिखा देती हूँ जार को। ये जार बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है गाइस, और ये देख सकते हैं गोल्डन कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसमें आप मसाला 100 ग्राम तक रख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 100 ग्राम की है, मुझे बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए था, इतना ही बड़ा चाहिए था, और ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में आया था, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से होके आई थी, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और एक साथ पूरा 12 जार आएगा आपको, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, आई थिंक 500 के अराउंड का कुछ होगा। तो गाइस, 12 आपको ग्लास का जार मिलता है, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का 500 का, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपको मैं पास से दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, कितने अच्छे से आया हुआ है, आप ये देख सकते हैं जार की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है मुझे तो। ये देखिए गाइस, मुझे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अच्छे से याद नहीं है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देखिएगा जरूर। और चलिए तीसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ना गाइस, ये आया था मुझे मेसो से, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकेजिंग के साथ आया है। तो ये भी मसाला जार है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये वाला मसाला जार कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में था, तो मुझे था कि मुझे चाहिए ये अपने किचन के लिए, और सेम प्रोडक्ट मुझे अमेजोन पे 2200 में दिख रहा था, पर मेसो पे ये मुझे मिला था आई थिंक 800 या 700 कुछ ऐसी प्राइस है, मुझे ठीक से याद नहीं है, आप लोग तो जरूर देखिएगा जाके, मैं दे दूंगी कोड मेसो का। और इसका जो अंदर देखिएगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा, बस एक चीज क्या है कि ये जो चम्मच है इसमें थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा जंग टाइप का है, जंग में नहीं कहेंगे, कुछ हल्का सा दाग है, लेकिन ठीक है, इतने कम पैसे में और क्या ही मिलेगा। और अंदर आपको मिलता है ये छोटा छोटा सा बाउल जैसा, ये देखिए पीछे से कुछ भी नहीं है, और इसके पीछे भी कुछ नहीं है, ऐसा कि ये ग्रिप बनेगा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये वेट में काफी हेवी है, इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। और गाइस, ये है तीसरा प्रोडक्ट, ये भी, और ये भी मेसो का ही है, और ये भी कुछ मसाला जा रही है मसाला रखने के लिए ही। तो एक तो मैं मंगाई हूँ अपना जितना भी गरम मसाला होता है वो सब रखने के लिए, और दूसरा मैं मंगाई हूँ जो भी हल्दी धनिया जीरा पाउडर ये सब होता है वो सब रखने के लिए मंगाई हूँ। तो आप दूसरा देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और ये भी बहुत ही सस्ता है गाइस, आई थिंक 400 या 500 में, बस यही प्राइस है इसका। तो इसमें भी स्पून दिया हुआ है इस तरह से,
और ये देखिए पीछे इसका ये है ग्रिप बना रहेगा, ये फिसलेगा नहीं, एक बार जगह जाएगा तो अच्छे से ये वहां चिपक जाएगा। और इसके अंदर भी ये इस तरह का बाउल दे रखा है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं, इसे वॉश करने में आसानी होगी। और ये व्हाइट कलर का है और मैं आपको इसका प्रिंट दिखाती हूँ गाइस। आप इसका ये ढक्कन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है। और सबसे प्यारा पता है क्या लगा, ये मोर, मैं आपको फिक्स करके दिखाती हूँ ये फिक्स होने के बाद कैसा दिखता है। फिक्स करना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस ऐसे ऐसे, हाँ ये देखिए ये हो गया फिक्स, आप ये देख सकते हैं। ये मैं मंगाई हूँ मेसो से फ्रेंड्स, इसका भी मैं कोड दे दूंगी, आप लोग प्लीज देखिएगा वहां से। वैसे तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, पर एक प्रॉब्लम मुझे इसमें क्या लग रही है ना कि ये टाइट नहीं है, इसका जो ढक्कन है ना ये ढीला है, आप देख सकते हैं ढीला है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूं, इसे रिटर्न करूं या रख लूं। हस्बैंड तो कह रहे हैं कि इसे रिटर्न कर दो, क्योंकि क्या है कि अगर इसमें मसाला में रख दूंगी अचानक से कोई ऐसे खींचेगा तो ये गिरने का भी डर होता है मसाला, तो वही सोच रही हूँ क्या करूं। वैसे लुक वाइज तो बहुत ही सुंदर है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि रख भी लेती हूँ, क्या ही जाएगा पता नहीं, देखती हूँ क्या करना क्या नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है ये, बस ये ढीला है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इसे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मसाला के लिए क्या है सेफ रहेगा, कहीं अंदर हवा जाके मसाला ना हमारा खराब हो जाए, मसाला खराब हो जाएगा तो टेस्ट ही खराब हो जाएगा, वही मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। वैसे लुक वाइज बहुत अच्छा है, बस इसका ढक्कन। गाइज एक ये प्रोडक्ट है अमेजोन से मैं मंगाई हूँ, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है और ये बहुत सस्ता भी, आई थिंक 300 या 350 का होगा। और ये प्रोडक्ट आप इसे रिमूव कर सकते हैं, आसानी से ये बाहर आ जाएगा और ये इतना स्ट्रांगली चिपका हुआ फ्रेंड्स, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे मैं इसे फिक्स करके रखी हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन धुलता है, हैंड वॉश भी यहीं पे मैं रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसे किचन में लगा सकते हैं, बाथरूम में लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गाइस। गाइस अमेजोन से मैं एक और प्रोडक्ट मंगाई थी, टी कॉफी और शुगर वाला, एक साथ आता है, आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही सुंदर था गाइस। मैं उसका वीडियो ले ली हूँ क्योंकि मैं उसे रिटर्न कर दी हूँ, उससे पहले मैं उसका वीडियो बना ली थी, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। उस रिटर्न करने का एक कारण था गाइस कि उसका जो ढक्कन था ना बिल्कुल ढीला था, एक का सही था बाकी दो का जो था ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, वो अच्छे से बंद नहीं हो रहा था, बहुत ढीला था। तो ढीला ढक्कन रख के कोई फायदा नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक्सपेंसिव भी था, लुक वाइज तो बहुत अच्छा था पर क्वालिटी वाइज सही नहीं था, इसलिए मैं इसे रिटर्न कर दी हूँ। वीडियो में इसमें ऐड करती रही हूँ, आप लोग जरूर देखिए उस प्रोडक्ट को, क्या पता आप लोग के पास अच्छे कंडीशन में पहुंचे। सो गाइज आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट टी कॉफी और शुगर वाला, आपको भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और इसका जो ढक्कन है ना ये वुडन है पूरा, और वुडन टेक्सचर का कुछ भी होता है ना मुझे बहुत पसंद आता है, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा था मुझे, तो मैं इसे मंगा ली थी। और इसका जो प्राइस है गाइज वो 1800 है, लेकिन बस एक ही का ढक्कन अच्छे से बंद होता है एयर टाइट, बाकी दो का जो ढक्कन है ना वो अच्छे से बंद नहीं होता है, तो इससे रखकर कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं इसे रिटर्न कर दी हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, होप कि आप लोगों को अमेजोन और मेसो का हॉल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज भर भर के लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि मेरे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन ना सबसे पहले आप तक आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मजेदार ब्लॉग में, पर फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरा चैनल काफी छोटा है, इसलिए कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जितने ही प्रोडक्ट है सारे मेरे अपने पैसे के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक और नए मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।